So, हेलो अवीवन कैसे हैं आप सभी लोग मैं नवदीप और आप का स्वागत है दीपक ग्राफिक हिंदी यूट्यूब चैनल पे सो so, क्या आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लेंडर के एक फ्री ऑन के बारे में जो है कि रेन डायनेमिक ऑन जिसे हम कहते हैं जो तो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें व्हाट्सअप के थ्रू ये ऑन दिया था उनका नाम सलमान है तो थैंक यू सलमान फॉर गिविंग दिस ऑन एंड इससे काफ़ी लोगों की हेल्प होगी सो so, मेरे को जस्ट अभी मिला है ये एडोन्स और मैं ज़्यादा कुछ सीन क्रिएट नहीं कर पाया पर मैं आप लोगों के लिए ये ऑन कैसे यूज़ होता है वो मैं बता देता हूँ बहुत ही ईजी सिंपल सा ऑन है एंड मैंने सोचा कि ठीक है अपने व्यूअर को ये चीज़ दिखाई जाए कि कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा एक सीन क्रिएट करा हुआ है ये देखिए एंड ये पूरी एनिमेटेड रेन है मैं एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूं ये आप देख सकते हैं पूरी प्रॉपर एनिमेटेड रेन है एंड इसकी जो पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे ये काम करेगा एंड नीचे जो मैंने यहाँ जो मटेरियल लिया हुआ है ये बेसिकली ऑलरेडी एक वेट मटेरियल है तो ऐसा फील दे रहा है कि यहाँ ऊपर से बारिश आ रही है तो इसलिए गीला हो रहा है पर ऐसा कुछ नहीं है ये नीचे से अलग मटीरियल है ठीक है तो चलिए जानते हैं इस ऑन को हम बेसिकली कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड इस ऑन का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले खोलता हूँ अपनी एक न्यू प्रोजेक्ट फाइल इसको मैं करता हूँ डोन सेप नहीं डोंट सेव नहीं करते हैं नीचे वाले को पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ठीक है उसके बाद हम उसको करते हैं डोंट सेव ताकि हमें ये सेव यह फाइल मिलेगी ना बिकॉज uh, ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से ऑलेट एंड right, एक चीज़ और बता दूँगा ये जो ऑन है बेसिकली हमारा जो भी मैं ऑन आपको ये बता रहा हूँ ये हमारा बेसिकली अपडेटेड वर्जन ब्लेंडर 4.2 में काम नहीं कर रहा तो प्लीज़ उसके लिए आप ध्यान रखिएगा मैं खुद ब्लेंडर का लाइक थ्री पॉइंट सिक्स यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए क्योंकि फोर पॉइंट जीरो में भी अच्छे से काम नहीं कर रहा तो लोअर वर्जन में इसको फिलहाल अभी आप यूज़ कर सकते हो सकता है इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया होगा बट दैट्स ओके उस समय कोई समस्या नहीं है तो आपको क्या करना है एडिट पर जाना है प्रीफ्रेंस पर जाना है डाउनलोड करने के बाद एंड यहाँ पे आपको बेसिकली इंस्टॉल करना है ठीक है ये रहा वो डायनेमिक रेन ऑन जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है ठीक है उसके बाद यहाँ पर बेसिकली मैं एंड प्रेस करूँगा अपने लाइक की बोर्ड एंड आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे ऑन जो कर रखे हैं मैंने इसको मैं बंद करूंगा यार बहुत सारे ऑन हो गई। ठीक है तो मैं जाऊंगा पे पे इसे कहते हैं हैं डायनेमिक डायनेमिक रेंज रेंज सॉरी एंड आप देख सकते कुछ इस टाइप का ये है मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक हल्का सा ये जो ड्रॉपलेट्स दिख रही है ये आपको बताएगा कि बेसिकली जो आपकी जो रेन है वो यहाँ पे कहाँ पे प्लेस होगी तो देखो जैसे मैं इस क्लिक करता हूँ और इसको मैं क्लिक करते ही आप देखेंगे एक क्यूब यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा एंड क्यूब जनरेट होने के बाद यहाँ पे जो रेन है वो जनरेट हो जाएगी तो जैसे ही मैं एनिमेशन प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस क्यूब पे भी आप देखेंगे कि प्रॉपर जो बूंदे हैं वो पड़ रही है और यहाँ पे वो प्रॉपर एनिमेशन यहाँ पे हो रहा है ठीक है अब इसका जो तो सिंपल एक फंडा है मैं आपको समझा देता हूँ क्या फंडा है फिलहाल इस क्यूब को मैं डिलीट कर देता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो रेन है बेसिकली हमारे इस... मंकी हेड पे पड़े जब जैसी मैं एनिमेशन को प्ले करता हूँ अभी आप देखोगे कि जो हमारी रेन है ना वो हमारे मंकी हेड पे तो काम कर ही नहीं रही है ध्यान से देखोगे तो ठीक है और दूसरी चीज़ क्या अभी अगर मैं एनिमेशन प्ले भी कर रहा हूँ तो मेरी जो बेसिकली रेन है वो यहाँ पे दिख ही नहीं रही है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर ना एक फोल्डर बनता है ओबीजे का फोल्डर ठीक है तो उस फोल्डर के अंदर कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए तब आपका एनिमेशन बेसिकली यहाँ पे प्ले होगा या फिर आपकी जो रेन है वो विजिबल होगी तो हम इस मंकी को उठाएंगे और इस मंकी को उठा के एम प्रेस करेंगे मूव टू कलेक्शन कलेक्शन में जाएंगे और ओवीजे में डाल देंगे तो जैसे आप ओवीजे में डालेंगे देखेंगे ऊपर आपके रेन भी देखने लग गई है अब जैसे ही मैं एनिमेशन प्ले करूंगा तो रेन देखो हमारे मंकी के हेड पे प्रॉपर यहां पे देखो डिस्प्लेस हो रही है प्रॉपर तरीके से वो तो पड़ रही है जो कि काफ़ी सुंदर लग रही है पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे मंकी पे तो पड़ रही है पर तो नीचे जो प्लेन है उस पर भी नहीं पड़ रही तो आपको जितने ऑब्जेक्ट को भी इंटरेक्ट करवाना है उत उस ऑब्जेक्ट को आप बेसिकली उठा के डायरेक्टली ओबीजे वाले फोल्डर में डाल दें और आपका वो ऑब्जेक्ट भी उस रेन के साथ देखो इंटरेक्ट करने लग जाएगा बहुत ही ईजी है कोई इसमें बड़ी बात नहीं है आप देखिए ये भी इस परफेक्टली यहाँ पर इंटरेक्ट हो रहा है ठीक है अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहला है हमारे रेन की डेंसिटी मतलब कि कितनी ज़्यादा डेंसिटी आपको चाहिए जितना आप इसको ज़्यादा बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा डेंसिटी इनकी हो जाएगी ठीक है जैसे मैंने अभी टेन कर दिया है तो यस टेन से ये बहुत ज्यादा इसमें डेंसिटी हो गई है एंड दूसरा क्या है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए अभी रेन तो बहुत ज्यादा हो गई है बहुत ज्यादा बूंदे दिख रही यहां पे ठीक है दूसरा क्या है कि आप इसका साइज अभी आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा इसकी डेंसिटी कम कर लेता हूँ फिलहाल के लिए अगर अभी आप देखोगे ध्यान से जो रेन हमारी गिर रही है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन पे गिर रही है अगर मैं यहाँ पर भी आता हूँ कैमरा व्यू में तो देखो यहीं पर दिख रही है पर अगर मैं अपने कैमरा व्यू के हिसाब से भी चलू तो मुझे रेन एटलीस्ट इस कैमरा को तो कवर करे इतना तो चाहिए तो इसका बेसिकली यहाँ पर एक ऑप्शन आता है साइज एक्स एंड वाई तो उसको आप कर लीजिए टेन और इसको भी आप कर लीजिए टेन ठीक है उसके बाद आप दोबारा से यहाँ एनिमेशन प्ले करेंगे फ्रंट व्यू में जाएंगे तो आपकी जो रेन है वो थोड़ा स्प्रेड होके आएगी देखो पहले आपकी जो रेन थी वो बहुत ज़्यादा स्क्वायर में आ रही थी अब आपकी जो रेन है वो एटलीस्ट आपके कैमरे को तो यहाँ पे कवर कर रही है तो अगर इस कैमरे के फ्रेम को मैं यहाँ से लाइक ब्लैकआउट कर दूँ जिससे हम कहते हैं पास प्ले आउट आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से तो अब आप देखोगे कि हाँ आपके सीन में एटलीस्ट पूरी बरसात हो रही है जो कि काफी बढ़िया है अब यहाँ पे एक और ऑप्शन है रेन ड्रॉप एक्सीटर ये क्या करता है बेसिकली जैसे अभी बारिश बहुत ज्यादा स्लो आ रही है ना अगर इसको आप बेसिकली थोड़ा आ, इंक्रीज कर दोगे तो बारिश आपकी थोड़ी तेज आएगी ठीक है ये यहाँ पे बेसिकली इससे हम कहते हैं रेन ड्रॉप एक्सीटर फिलहाल मैं इसको करूंगा नहीं क्योंकि होता क्या है जैसे ही मैं इसको बढ़ा रहा तो थोड़ा सीन हल्का सा हैवी हो जा रहा है आई डोंट नो वाई एंड फिर जो मैं रिकॉर्डर यूज करता ना उसमें ना वो बहुत चटचट की आवाज आती है तो बस उसका मैंने आपको मतलब बता दिया अब इसमें देखो फायदा यही है कि इसमें क्या है कि मटीरियल आपको ऑलरेडी लगा लगाए मेरे लेके आपको मटेरियल के साथ कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जैसे मैंने तो यहां रखा अब मैं जैसे अपने आ, क्या कहते हैं थ्री डी व्यू में जाऊंगा मतलब रेंडर व्यू में देखो रेंडर व्यू में आया मैं अपने तो अब रेंडर व्यू में आए तो आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली हमें ये जो मटीरियल है देखो यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर का वो हमें पहले से बना बना यहाँ पे मिल रहा है तो कोई समस्या नहीं आपका देखो एनिमेशन प्ले करता हूँ काफी सुंदर तरीके से बेसिकली एनिमेशन हो रहा है अगर मैं इसको एक रेंडर लेके देखते हैं लेट्स सी क्या आउटपुट हमें ये देता है तो हम यहाँ पे बेसिकली फिलहाल के लिए पचास सैंपल रखते हैं और रेंडर लेता हूँ यस yes, तो रेंडर कंप्लीट हो चुका है और देखो कुछ ऐसा ये दिख रहा है काफी सुंदर है एंड मुझे तो काफी बढ़िया लग रहा है ये ठीक है गाइज तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करिए एंड इसको स्टार्ट करिए यूज़ करना और आपके काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट में ये काम आएगा सो आई होप आपको ये पसंद आया हो और इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ ऑल एड गाइज तो ये तो ये हमारी रेन ड्रॉप की बात अब मैं बात करता हूँ बेसिकली कुछ नई चीज़ के बारे में सो so, आप बेसिकली यहाँ पर मैं बात करने वाला हमारे कोर्स के बारे में जो कि है ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स का अगर आप में से किसी ने भी ब्लेंडर का हमारा ये कोर्स नहीं लिया अगर किसी को भी ब्लेंडर इन डेप्थ में सीखना है तो आप इस कोर्स को जाएँ परचेज करें अभी टू ट्रिपल नाइन का कोर्स आपको टू थ्री ट्रिपल नाइन में सॉरी टू थ्री डबल नाइन में मिल जाएगा एंड अभी रिसेंटली मैंने इसमें प्रोडक्ट मॉडलिंग और प्रोडक्ट के एनिमेशन करना स्टार्ट कर दिया है मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे कौन कौन से बेसिकली सलेक्शनस हैं तो जाएँगाईज जिन्होंने परचेज़ नहीं किया जिनको भी ब्लेंडर इन डेप्थ में सीखना है आप जा सकते हैं अगर आपको यहाँ पे प्राइस कम नहीं हो रहा तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं आपको मैं बेसिकली यहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे सेक्शन हैं बहुत सारे यहाँ पे uh, कह सकते हैं कि कैटेगरीज़ हैं जिसमें मैंने ब्लेंडर को इन डेप्थ में किक चीज़ आपको सिखाइए कैसे आपको ब्लेंडर में काम करना है और कैसे हमको ब्लेंडर को अपने जो स्किल्स है उसको हम इनहस कर सकते हैं एंड अभी हम रिसेंटली यहाँ पर आ चुके हैं प्रोडक्ट एनिमेशन पर तो मैंने अभी तीन वीडियोज़ उसमें डाली हैं बिल्कुल फ्रेश वीडियोज़ का मैंने उसका मैंने बेसिकली एक कम्युनिटी में भी पोस्ट डाला था कि हमने यहाँ पर वीडियोज़ अपडेट कर दी हैं एकदम फ्रेश एंड वहाँ पर हम प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो जिनको भी प्रोडक्ट सीखने में इंटरेस्ट है आप वहाँ जाके बेसिकली उसे सीख सकते हैं जो, जो कि काफ़ी बढ़िया है एंड इसमें अब ऐसे ही आपको एनिमेशन और लाइटिंग टेक्सचरिंग सब के वहाँ पे आपको जो ट्यूटोरियल्स हैं वो भी ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल वो भी ब्रांड न्यू आ, वर्जन के साथ तो कोई आ, इसमें वो नहीं रहेगा सारे अपडेटेड वर्जन में ये रहेंगे वीडियोज़ तो मैं आपको दिखा देता हूँ गाई यहाँ पर देखो मॉडलिंग वगैरह भी हमारा पूरा है कम्प्लीट ब्लेंडर यू रिडिंग इन डेप्थ में यहाँ पर हमने समझाई हुई है यहाँ आप देख सकते हैं मॉडलिंग इन डिटेल विद ब्लेंडर फोर पॉइंट वन में मैंने सिखाया हुआ यहाँ पर प्रॉपर मॉडलिंग ठीक है उससे ऊपर यहाँ देख सकते हैं ये मॉडिफायर के हमारे बेसिक्स हैं पूरे यहाँ पे पूरे के पूरे मॉडिफाइर लिस्ट है एक एक मॉडिफायर हमने पे बहुत अच्छे से समझाया हुआ है तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्स में तो प्लीज़ अभी पर ऑफ चला तो आप उसे जाके ले सकते हैं एंड यस यहाँ देख सकते तो हमने के बारे में बताया हुआ अभी जो भी नया ब्लेंडर टू का कैमरा है वो भी हम यहाँ हम समझाने वाले हैं और तो यहीं पर हमारी वीडियो अपडेट तो हो जाती है क्योंकि ये एक बार आपको कोर्स लेना है उसके बाद आपको यहाँ पर लाइफ टाइम फ्री एक्सेस मिलती है तो आपको जो भी अपडेट है उसके फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है तो आप जाके इसे देख सकते हैं एंड अभी हमने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है यहाँ पे कार्टून करेक्टर मॉडलिंग के भी पूरे ट्यूटोरियल्स हैं सारा कि कैसे आप कार्टून कैरेक्टर मॉडलिंग कर सकते हैं एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे आप समझाई हुई है ऑललेट एंड इसी के साथ साथ जो जिसके बारे में मेनली मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ हमारा जो प्रोडक्ट का हमने स्टार्ट किया है वो आपको मैं दिखाता हूँ वो हमारा बेसिकली यहाँ से है इसमें भी हमने टेक्चिंग का भी स्टार्ट कर दिया हाउ टू टेक्चर इन ब्लेंडर तो यहाँ पे हमने पूरा शेडर के बारे में अच्छे से समझाया हुआ है और भी बहुत सारे शेडर हैं जो उसमें नहीं है वो धीरे धीरे अपडेट होते चले जाते हैं तो आपको वो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है और सारे फ्रेश वीडियोज आपको यहाँ पे अपने यहाँ मिल जाते हैं एंड अभी हम यहाँ पे एक सिस्टम और स्टार्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को एक फ्री अपडेट का आपको बेसिकली एक मेल किया जाएगा तो अभी देखिए हमने ये स्टार्ट किया 3D प्रोडक्ट शेडिंग टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग एंड रेंडर तो उसमें तो हमने तीन वीडियोस डाले हैं और बहुत ही कूल और बहुत ही मतलब लाइक स्किल्सफुल ये वीडियोस मैंने डाली हुई जिसमें आपको पूरा प्रोडक्ट कैसे काम करता है कैसे की फ्रेम लगाने कैसे सीन सेटअप करना है कैसे पेरेंटिंग करनी है कैसे पेरेंटिंग करनी है आपको एनिमेशन के लिए तो सारा कुछ मैंने इसमें समझाया तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हमारे कोर्स में जाएं और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ है अगर आपको यहाँ पे डी ट्वेंटी कोड लगा के भी अगर ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ नहीं मिलता तो आप मुझे इस वाट्सअप नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे को डायरेक्टली वाट्सअप कर सकते हैं मैं आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर कर दूँगा सो so, इस लेसन के लिए इतना गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में तब तक अपना ध्यान रखिए बाय बाय टेक कैन स्टे होम गाइज एंड लव यू